बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस अवान, एडवोकेट, और आज मैं बात करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल नंबर 9 के हवाले से कि वो कौन सा हक है जो कि आर्टिकल नंबर 9 में हमारे आइन ने दिया है। तो आर्टिकल नंबर 9 है जी, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, यानी फ़र्द की सलामती। किसी शख्स को ज़िंदगी या आज़ादी से महरूम नहीं किया जाएगा जब तक कानून इसकी इजाज़त न दे। कानून की इजाज़त देने का मतलब यह है कि अगर किसी शख्स को किसी भी केस में सज़ा हो जाती है तो वो अलग बात है, अदरवाइज़ किसी शख्स को ज़िंदगी या उसकी आज़ादी से महरूम नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह इस आर्टिकल के हवाले से हमारे दीगर हमारे आला अदलिया के कुछ फैसला जात हैं, उनमें एक फैसला है YLR 218 पेज 379। इसमें हमारी अदालत ने होल्ड ये किया है कि स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि उसकी हदूद में रहने वाले हर शख्स की ज़िंदगी और आज़ादी का तहफ़ करे, कि ये स्टेट को बाउंड कर दिया गया है कि वो हर शख्स की आज़ादी और ज़िंदगी का तहफ़ करे। तो इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम।